आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन से एक जो ड्रॉप होती है वाटर की, वो आपकी कंटेन करती है कितने आपके एटम्स हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, या कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के, वो सब आपसे पूछा गया, राइट। सो देखो, आपको यहाँ पे समझना होगा कि होता क्या है कि देखो, केमिस्ट्री में अगर मैं बात करती हूँ, सो केमिस्ट्री में हम बेसिकली क्या होता है कि अगर आपसे ऐसे बोल दिया जाए कि एक ड्रॉप है आपके पास वाटर की, या एक ड्रॉप है किसी भी सॉल्वेंट की, और उसमें बताओ उसके कितने मॉलिक्यूल्स एटम्स प्रेजेंट होंगे, सो देखो आप ऐसे नहीं बता सकते हो, राइट। क्योंकि आपको यहाँ पर समझना होगा कि हमारे पास क्या होता है, केमिस्ट्री में एक टर्म होती है, वो होती है हमारे पास मोल, राइट। सो मोल हमारे पास एक ऐसी टर्म होती है जो हम यूज करते हैं फॉर डिफाइनिंग दी क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, राइट। किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं मोल को, राइट। उसमें हम ये कहते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस का आपके पास एक मोल होता है, तो तब हम ये कह देते हैं कि उसमें आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ आपके पास क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। मतलब 6.022 × 10⁻², उसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। बट अगर आपको ऐसे डिफाइन नहीं है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की क्वांटिटी, तो उससे आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते। तो सिंपली आपको बोलना पड़ेगा कि अगर आप बोल रहे हो कि आपके पास एक ड्रॉप है वाटर की, सो देखो उसमें आपके पास क्या है, कितनी भी आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि उसमें आपके पास मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो होंगे, वो आपके पास क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। डेफिनेटली अगर एक ड्रॉप है, तो उसमें काफी मॉलिक्यूल्स जो होंगे, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो होंगे, वो आपके पास प्रेजेंट होने वाले, राइट। सो अगर आप ये कह रहे हो कि 2 atoms ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 atom ऑफ ऑक्सीजन, तो देखो ये कहना गलत होगा, क्योंकि वाटर का देखो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है H2O, राइट। उसके अकॉर्डिंग कि H2O में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, राइट। बट अगर एक ड्रॉप ऑफ वाटर के ले रहे हो, तो उसमें अगर मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसमें मिलियंस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट, राइट। सो एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बोलना, 1 atom ऑक्सीजन बोलना, ये भी गलत है, राइट। सो आपका ऑप्शन 3 ही करेक्ट होगा, कि उसमें मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होंगे, राइट। सिमिलरली अगर आप बोल रहे हो कि 1 molecule ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन, सो ये भी गलत है, राइट। सो आपका आंसर एप्रोप्रिएट ऑप्शन 3 होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।